रग रग में समाया हुआ है। सात्विक वीणा मोहन वीणा की जुगलबंदी शुरू हुई आज के 6-7 वर्ष पूर्व। उससे पहले बहुत वर्ष मैंने अपने सोलो वादन भी मैंने किया है और मैं पिछले 20-25 वर्षों से गुरुजी को स्टेज पे उनकी मैं उनके साथ बैठ के मैं सीखता आया हूँ। उनके साथ बजाना तो क्या, वो तो इतना मेरा मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि वे मेरे गुरु हैं, और लेकिन स्टेज पे बैठ के गुरु के साथ बजाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उससे जो सीखने को मिलता है और जो म्यूजिकली जो डेवलपमेंट होता है, तो उससे मुझे ये हुआ कि जो काम एक आम व्यक्ति अगर 50 वर्ष में करता तो वो उन्होंने शायद 20 वर्ष में कर लिया, क्योंकि ये गुरु का आशीर्वाद मिला और इनसे जो शिक्षा दीक्षा मुझे स्टेज पे मिली और स्टेज के बाद भी जो तालीम शिक्षा जो होती है, तो वो इतना अच्छा स्ट्रांग वो सब रहा कि कब 25 वर्ष हो गए मुझे भी संगीत में, आज पता नहीं पड़ा। और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे गुरु जी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं संगीत जगत को। उन्होंने 50 वर्ष में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। विश्व वीणा है, मोहन वीणा है, और मेरी वीणा का भी इंस्पिरेशन इन्हीं की दोनों वीणाओं से लिया गया है, तो घर में वीणा की त्रिवेणी है। और आपके बारे में पंडित जी ये भी कहा जाता है कि मोहन वीणा में आप तंत्रकारी यानी इंस्ट्रूमेंटल और गायकी अंग यानी वोकल दोनों को बड़ी बखूबी बजाते हैं, इसके बारे में बताइए विस्तार। बखूबी तो खैर आप ज्यादा कह रहे हैं, जो भी है जी। तंत्रकारी में क्या होता है कि इसके जो छंदकारी होती है तो उसमें दा दिर 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 दा अर्दा अर्दा और जो पैटर्न्स होते हैं, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो इन दो उंगलियों से और थंब से हम लोग बजाते हैं। जैसे झाला है तो 1-2-3-4, 1-2-3-4 की जगह फिर 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 तकट 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 ये जो चलते रहते हैं उस तरह के दा दिर 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 दा दिर 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 दा दिर 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 दा अर्दा अर्दा दिर 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 दा दिर दिर दा दिर 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 दा, ये जो होते हैं बोल ये इन दो उंगलियों से बजाते, ये इसको तंत्रकारी बोलते हैं। तो इसमें छंदकारी होती है, तिहाइयों का प्रयोग होता है, बहुत टेक्निकल है। खैर ये सब इसमें जी इसमें पंडित जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। हाय, 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 अरे बैठो बैठो। हाय, मैं यहाँ से गुजर रहा था। हाय हाय, खूबसूरती है शक्ति, फेयर एंड लवली। बरसों से जानी मानी ब्लैक रोज काली मेहंदी। यस माय एज। मेरा फेवरेट प्रिया गोल्ड प्रीमियम बटर बाइट बिस्किट, अब 5 रुपए के पैक में। असली स्वाद के लिए प्रिया गोल्ड प्रीमियम बटर बाइट बिस्किट, हक से मांगो। Show your true colors. Colormate hair colors. You're looking great. It's Colormate. पंडित जी ये बताइए कि 1983 से आपने मशहूर सितार वादक पंडित रवि शंकर जी से सीखना शुरू किया, उन अनुभवों के कुछ पन्ने हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, पंडित रवि शंकर जी तो मैं मानता हूँ सूरज की तरह हैं, और 83 में मैंने उनसे जिसको हम बोलते हैं गंडा बंधन कि उनके शागिर्द बनना जी। तो वो मैं उनको एक अपनी जिसको बोलते हैं अपनी इज्जत के तौर पर मैं उनको अपना सरेंडर करना कि मेरा इच्छा हुई, और फिर मैंने उनका शागिर्द बना मैं। और वो तो बहुत ही इसको कहना चाहिए कि अद्भुत व्यक्तित्व हैं उनका, बहुत अच्छा, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है संगीत के अलावा भी बहुत कुछ जी। एक चाइनीज आर्टिस्ट भी थे जे बिंग चैंग, जिनके जो यूरो प्लेयर रहे और उनके साथ आपने जुगलबंदी की, और आप पहले इंडियन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने चाइनीज आर्टिस्ट के साथ जुगलबंदी की। किस तरह की ये जुगलबंदी थी? ये जो अरहू एक इंस्ट्रूमेंट होता है बोइंग जी, तो वो जो लेडी है जे बिंग चैंग, वो उसके साथ मैंने ये फ्यूजन एल्बम की हमारी हुई थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये रहा कि मतलब उसको इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे चाइनीज नहीं आती थी, तो थोड़ा सा पहले मैं सोच रहा था क्या है बात करेंगे हम, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब संगीत की जो भाषा होती है सात स्वर, वो पूरा एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो कहीं भी जाएं आप सात स्वर वही रहेंगे। हालांकि इतने धर्म, भाषा, कितनी कितनी संस्कृति अलग अलग है, लेकिन जब सात स्वरों की बात आती है तो वो सब सारी दुनिया में एक ही जैसे। तो जब हम साज लेकर बैठे तो हमको लगा कि भाषा की जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही साज के जरिए ही अपनी बात कर रहे हैं, सात स्वरों के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। और वो फिर एल्बम तबला रसा हमारा